प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण पार्ट टू डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में हमने उप सहसंयोजक यौगिकों का नामकरण के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान देना होता है उस पर डिस्कस किया था। उसी नोमेनक्लेचर की प्रोसेस में हम आज आगे डिस्कस करते हैं। देखिए, उप सहसंयोजक यौगिक इनको हम मेजरली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक वे उप सहसंयोजक यौगिक होंगे जिसमें केवल एक धात्विक परमाणु होगा, ठीक है, और उससे जुड़े हुए लिगेंड्स होंगे। इनको हम बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी एकल नाभिकी, एकल नाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिक। और दूसरी टाइप के होते हैं बहुनाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिक, यानी पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, राइट। दूसरा कौन सा हो गया? बहुनाभिकीय सहसंयोजक यौगिक, इसको हम बोलते हैं मोनो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और इनको हम क्या बोलेंगे? पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मोनोन्यूक्लियर पिछली क्लास में हमने जितने भी नोमेनक्लेचर पढ़े थे वो किसके पढ़े थे? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हमने नोमेनक्लेचर पढ़े थे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, टेट्रा एमीन कॉपर सेकंड सल्फेट, ये क्या है? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि इसमें धातु परमाणु सिर्फ एक ही है। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में धातु परमाणुओं की संख्या एक से अधिक हो तो क्या होगा? मोर देन वन मेटल आयन, या फिर एटम्स हो, तो उस प्रकार के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पॉली न्यूक्लियर या फिर बहुनाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। इन यौगिकों को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, इतने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, टू पार्ट्स। एक पार्ट में हम उन पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का अध्ययन करेंगे जिसमें क्या है? ब्रिजिंग लिगेंड्स है। तो पहले क्या लिखेंगे? सेतु बंधयुक्त, सेतु बंधयुक्त बहुनाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिक, यानी इसमें जो लिगेंड है दो धातु परमाणु के बीच में सेतु का काम करेगा, ब्रिज का काम करेगा, इसलिए हम इनको बोलते हैं ब्रिजिंग पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। और दूसरे होते हैं पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड विद मेटल मेटल बॉन्ड, इसमें ब्रिज नहीं होगा, मेटल मेटल बंधयुक्त बहुनाभिकीय उप सहसंयोजक यौगिक। देखिए, इनका नामकरण हम किस प्रकार से करेंगे? इसके नामकरण के दौरान हमें कुछ विशेष नियमों की अनुपालना करनी होती है,
वो नियम क्या क्या है देखिए। सबसे पहला तो ये है, अगर हम इसका एक एग्जाम्पल लें सेतु बंधयुक्त का, देखिए हम जो है प्लेटिनम का कोई सेतु बंधयुक्त डिस्कस कर रहे हैं, इसमें प्लेटिनम के साथ में 3-4 एल्यूमिनियम लिगेंड जुड़े हुए हैं और इसके अलावा इसके साथ में ब्रिजिंग के रूप में जुड़ा हुआ है हाइड्रोक्साइडो और फ्लोराइडो, और दूसरा जो प्लेटिनम मेटल है उसके साथ में 4 एल्यूमिनियम जुड़े हुए हैं, राइट। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर किस प्रकार से कहते हैं, अब देखिए पहला तो ये क्लियर करना है हमें, ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो किस प्रकार का है, क्या ये एकल नाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है? नहीं। क्या ये बहु नाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा मेटल है, देखिए प्लेटिनम दो प्लेटिनम है, दो मेटल है, इसलिए बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है। अब उसके बाद में ये क्या मेटल मेटल बंधयुक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है? नहीं, क्योंकि इसमें इस धातु और इस धातु के बीच में कोई डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है, तो कौन सा है ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेतु बंधयुक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है। अब इसका नामकरण कैसे करें, देखिए सबसे पहले इसका नामकरण करने के लिए जो ब्रिजिंग लिगेंड है उससे पहले हम एक प्रीफिक्स जोड़ेंगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। प्रीफिक्स का मतलब जो लिगेंड के नाम से पहले जोड़ा जाता है, प्रीफिक्स क्या जोड़ेंगे? म्यू। सिर्फ म्यू कहां जुड़ेगा? केवल ब्रिजिंग लिगेंड के नाम के पहले म्यू जुड़ेगा, राइट। और जो बोलेंगे ब्रिजिंग लिगेंड है इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रीजिंग लिगेंड, राइट, ये दोनों ब्रीजिंग लिगेंड्स हैं। और ये जो लिगेंड है ये क्या है? नॉन ब्रीजिंग लिगेंड। नॉन ब्रीजिंग लिगेंड्स, ओके। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दो टाइप के लिगेंड है, ब्रिजिंग एंड नॉन ब्रिजिंग लिगेंड। ब्रिजिंग लिगेंड वो लिगेंड होंगे जो दो मेटल एटम या आयन के बीच में ब्रिज या सेतु का काम करते हैं। नॉन ब्रिजिंग लिगेंड वो लिगेंड होंगे जो सेतु नहीं बनाते हैं, राइट। ये बात क्लियर हुई। अब इसके नामकरण के दौरान हम ब्रिजिंग लिगेंड से पहले प्रीफिक्स म्यू जोड़ेंगे और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स के नामकरण के पहले हम म्यू ही जोड़ेंगे, और इन लिगेंड्स का नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? अल्फाबेटिकल, यानी जो अंग्रेजी की वर्णमाला है उसके अनुसार हम इनका नामकरण करेंगे, ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड दोनों का ही, राइट। देखिए इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे। अब ये जो बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है इनके नामकरण के दौरान भी बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के दौरान हमें उन सभी नियमों की अनुपालना करनी है जो कि एकल नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों के नामकरण के दौरान हमने अनुपालना की। इसके अलावा कुछ नियम और है जिसको हम साथ में डिस्कस करेंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहले जब हमने एकल नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों का नामकरण पढ़ा था तो उसमें हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के कितने पार्ट्स डिवाइड किए थे? दो भाग डिवाइड किए थे, एक तो क्या था मेटल, दूसरा क्या था लिगेंड, राइट। तो अब इसमें देखिए ये जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर लिगेंड है मेटल है और साथ में क्या है इसपे आवेश है, राइट। तो इसमें सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर लिगेंड का करते हैं, उनकी संख्या डिनोट करते हैं, उसके बाद में मेटल
का हम नोमेनक्लेचर करते हैं और उसका जो ऑक्सीकरण अंक होता है मेटल का रोमन में बकेट लगाते हुए हम उसमें लिख देते हैं। ये बात क्लियर हुई राइट। अब देखिए इसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या आएगा इसमें, ये एमीन है, हाइड्रोक्साइडो है, क्लोराइडो है, कौन सा एलिमेंट सबसे पहले आएगा, एमीन आएगा। तो देखिए इसमें एमीन कितने हैं टोटल, एट। तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा, ऑक्टा फिर क्या है एमीन विदाउट स्पेस के, ऑक्टा एमीन हो गया। इसके बाद में देखिए क्लोरो, क्लोरो फिर इसके बाद में देखिए हाइड्रोक्साइडो, लेकिन देखिए क्लोरो डायरेक्ट क्लोरो नहीं लिखेंगे हम, क्लोरो कहता है ब्रिजिंग लिगेंड। अभी हमने डिस्कस किया ब्रिजिंग लिगेंड से पहले क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स म्यू, क्या लिखेंगे म्यू, फिर क्लोरो, फिर इसके बाद में हाइड्रोक्साइडो, फिर म्यू हाइड्रोक्साइडो राइट। देखिए ऑक्टा एमीन हो गया, फिर इसके बाद में क्लोरो आएगा, म्यू क्लोरो या इसको क्लोराइडो भी बोलते हैं, म्यू क्लोराइडो, फिर हाइड्रा म्यू, फिर हाइड्रोक्साइडो, और प्लेटिनम कितने हैं, दो हैं, क्या लगाएंगे डाई प्लेटिनम। अब इसमें देखिए ऑक्सीडेशन इसके प्लेटिनम की कितनी होगी, इसमें देखिए माइनस वन राइट, तो यहां पे प्लस टू चार्ज है, इसका मतलब प्लेटिनम एक पे कितना चार्ज है, प्लेटिनम सेकंड, और ऊपर चार्ज है तो इसको क्या कहेंगे, ये बात क्लियर हुई बताइए। अब देखिए इसमें दूसरा हम कंपाउंड लेते हैं, एक एग्जांपल बोर्ड लेते हैं हम इसी का, ये समझ में आया। एक एग्जांपल बोर्ड ले लीजिए, प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है, ये देखिए इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे अल्फाबेटिकली, भले वो ब्रिजिंग हो या नॉन ब्रिजिंग हो। तो सबसे पहले क्या आएगा इसमें, देखिए एमिनो आएगा, तो क्या लिखेंगे हम म्यू एमिनो, फिर उसके बाद में क्या आएगा एमीन आएगा, और कितने हैं एमीन, थ्री एमीन है, क्या लिखेंगे ट्राई एमीन, फिर उसके बाद में क्या आएगा, देखो हाइड्रोक्साइड और क्लोरो में से कौन सा पहले आएगा, क्लोरो या क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर उसके बाद में हाइड्रोक्साइडो, क्योंकि हाइड्रोक्साइडो क्या है ब्रीजिंग लिगेंड है, तो हम क्या लगाएंगे प्रीफिक्स म्यू लगाएंगे हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, और उसके बाद में प्लेटिनम दो डाई प्लेटिनम, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेप कितनी है टू, और ये देखिए क्लियर हुआ म्यू एमिनो, सॉरी म्यू एमिनो ट्राई एमीन क्लोराइडो म्यू हाइड्रोक्साइडो डाई प्लेटिनम सेकेंड आयन राइट।
तो सेतु बंध युक्त जो कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसका नोमेनक्लेचर इस प्रकार से करते हैं। ये बात क्लियर हुई। और हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए इसके एक एग्जांपल और देखिए। देखिए सेतु बंध युक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक है। बहुनाभिकीय इसलिए है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा धातु परमाणु या आयन है। सेतु बंध युक्त इसलिए है क्योंकि दोनों परमाणु डायरेक्ट में जुड़ करके किसके माध्यम से जुड़े हुए हैं, लिगेंड के द्वारा बनाए गए सेतु के माध्यम से आपस में जुड़े हुए हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, सेतु बंध युक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक। तो देखिए नामकरण कैसे करेंगे, सबसे पहले हम अभी के इसमें खास बात नोट करने की है, ये जो कंपाउंड है इसमें जो नोट करने की बात है वो ये है कि ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग दोनों लिगेंड समान है। ब्रिजिंग लिगेंड और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड दोनों समान है। ब्रिजिंग भी कार्बोनिल है, नॉन ब्रिजिंग भी कार्बोनिल है। ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर ब्रिजिंग लिगेंड का करते हैं, प्रीफिक्स न्यू लगा के, राइट। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी सेतु बंध युक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक में ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग दोनों प्रकार के लिगेंड अगर समान हो तब उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाए। तो इसमें जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे, प्रीफिक्स न्यू लगाते हैं, उसके बाद में नॉन ब्रिजिंग लिगेंड का नोमेनक्लेचर करेंगे। देखिए इस प्रकार से ट्राई म्यू कार्बोनिल, फिर इसके बाद में हेक्सा कार्बोनिल, डाई आयरन, जीरो, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। पाई म्यू कार्बोनिल हेक्सा कार्बोनिल डाई आयरन जीरो, इसके नाम पर की दूसरी तरीका और है। अगर इस प्रकार का कोई लिगेंड है उसका नोमेनक्लेचर का दूसरा तरीका क्या है, देखिए सबसे पहले हम ब्रिजिंग लिगेंड को लिखेंगे, उसके बाद में हम देखिए आप इसमें नोट कर रहे हो कि ये इकाई और ये इकाई दोनों क्या है, सेम है, तो हम बीच में रख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे, देखिए ट्राई म्यू बीस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और उसमें देखिए ये क्या है, ट्राई कार्बोनिल, ट्राई कार्बोनिल आयरन जी, ठीक है। कैसे लिखेंगे, ट्राई म्यू, सॉरी इसका नाम, इसका नाम है गया इसमें म्यू के बाद में क्या आएगा, कार्बोनिल, फिर बीस ट्राई कार्बोनिल आयरन जीरो कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसके और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लीजिए, देखिए उसमें हम प्लेटिनम का जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है,
ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। देखिए सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को आपको कैटेगराइज करना है किस प्रकार का है। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है स्पष्ट रूप से आपको नजर आ रहा होगा एक से अधिक धातु आयन या परमाणु है तो बहु नाभिकीय है, राइट, पॉली न्यूक्लियर है। दूसरा इसमें सेतु बंध, ये जो लिगेंड है सेतु बंध वाले लिगेंड है तो क्या हो गया सेतु बंध युक्त, ये क्या है बहु नाभिकीय उपसर्जक यौगिक है। तो इसका नॉमिनेशन किस प्रकार से करेंगे, देखिए सबसे पहले लिगेंड का नॉमिनेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए एमिन कितने हैं तीन, क्या लिखेंगे ट्राई एमिन। उसके बाद में ब्रोमो ब्रोमाइडो, तो ब्रोमाइडो कैसा है ब्रीजिंग है ब्रोमाइडो। उसके बाद में क्लोराइडो, क्लोराइडो भी क्या है ब्रीजिंग है। उसके बाद में हाइड्रोक्साइडो, फिर उसके बाद में डाई प्लेटिनम, और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है सेकंड और आयन, ये इसका नॉर्मल पीएच होगा। सेतु बंध युक्त बहुनाभिकीय उत्सर्जक यौगिकों का नामकरण किस प्रकार से करते हैं ये हमने देखा। अब जो बहुनाभिकीय उत्सर्जक यौगिकों का दूसरा प्रकार है वो है धातु धातु बंध युक्त बहुनाभिकीय उत्सर्जक यौगिक। देखिए धातु धातु बंध युक्त बहुनाभिकीय उपसंयोजक यौगिक, राइट, जैसा कि नाम से क्लियर है इसमें सेतु बंध नहीं है, धातु आपस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, राइट, तो इसमें देखिए MnCO का होल फाइव और ये दो मैग्नीशियम आइटम के बीच में क्या है बॉन्ड है, यानी धातु धातु के बीच में क्या है बॉन्ड। तो इसको बोलेंगे धातु धातु बंधयुक्त बहुनाभिकीय उत्सर्जक यौगिक। इसका नॉमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, इसका नॉमेनक्लेचर ठीक हम उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से हम एकल नाभिकीय उपसंयोजक यौगिकों का करते हैं। ध्यान क्या देना है इसमें, ध्यान ये देना है हमें इसमें कि धातु धातु बंध को डिनोट करने के लिए उसका जो अयोग्य से नाम लिखेंगे उसके अंत में ब्रैकेट लगा करके और हम धातु हाइफन धातु को रिप्रेजेंट करेंगे प्रेजेंट करेंगे, राइट। तो देखिए इसका नाम किस प्रकार से लिखेंगे हम डिस डिस, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और फिर इसके बाद में पेंटा कार्बोनिम डिस पेंटा कार्बोनिम, फिर उसके बाद में मैंगनीज डिस पेंटा कार्बोनिम मैंगनीज, और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है जीरो। इस प्रकार से हम इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। आप देखिए उसके बाद में मेटल मेटल बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पेस देकर के हम मैंगनीज और मैंगनीज के बीच में हम बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं तब आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी किस प्रकार के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसका नॉमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करते हैं। देखिए प्लेटिनम का कॉम्प्लेक्स है कोई
देखिए ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले बेस, क्या लिखेंगे? बेस, फिर पर्किट लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे? देखिए टेट्राकिस, टेट्राकिस मेथेनॉल, मेथेनामिन, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे? टेट्राकिस, सॉरी सॉरी थोड़ा सा इसमें टेट्राकिस से पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि एम बाद में आ रहा है, क्लोरो का सी पहले आ रहा है, ये हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्लोरो, क्लोरो टेट्राकिस मेथेनामिन, राइट, फिर प्लेटिना, प्लेटिना बॉन्ड्स ऑफ दिस स्टेट में है इसमें क्लास टू, ये कॉमन में क्या लिखेंगे ब्रैकेट लगाते हुए? टू, और फिर उसके बाद में ये ब्रैकेट क्लोज, मेटल मेटल बॉन्ड को डिनोट करेंगे, और उसके बाद में क्लोराइड। देखिए ये नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ कि नहीं, राइट? तो ये थे पॉली न्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, अगर कोई अनसिमेट्रिकल कोई स्पीसीज हो तो उसका नोमेनक्लेचर हम किस प्रकार से करेंगे? नोमेनक्लेचर ऑफ अनसिमेट्रिकल स्पीसीज, यानी ये जो पॉलीन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमने देखे हैं, उसमें अगर एक से अधिक प्रकार के या भिन्न प्रकार के मेटल प्रेजेंट हो, उस स्थिति में उसका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं? अनसिमेट्रिकल स्पीसीज, असममित, सममिति नहीं हो। अभी हमने जो डिस्कस किया उसमें सममिति थी, राइट? तो देखिए सममिति अनसिमेट्री दो प्रकार से हो सकती है, एक तो जो मेटल आयन या एटम है वो डिफरेंट हो, राइट? दूसरी अनसिमेट्री तब हो सकती है जब दोनों धात्विक परमाणुओं के साथ में जुड़े हुए लिगेंड्स डिफरेंट हो, लिगेंड्स डिफरेंट, ठीक है। इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स का हम नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जो ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग लिगेंड होगा उसका हम क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे, अल्फा बाय बी करेंगे, राइट? दूसरा देखिए, अगर दो प्रकार, एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल से पिक्चर क्लियर होगी ये किस प्रकार के कंपाउंड है। देखिए एक तरफ है कोबाल्ट और इसके साथ में टेट्रा एमिन जुड़े हुए हैं, और दूसरी तरफ है कोबाल्ट, इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? चार क्लोराइडो लिगेंड जुड़े हुए हैं, और ब्रिजिंग का काम कर रहे हैं इसमें हाइड्रोक्साइडो तो चार्ज है वो बैलेंस है, क्योंकि इसमें माइनस वन, इसमें माइनस वन, माइनस वन कितनी होगी? सिक्स, और तो एक कोबाल्ट की फ्री है, सिक्स बैलेंस हो। तो देखिए इस कंपाउंड का हम नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करें? तो देखिए वही तरीका है, सिंपल तरीका, सबसे पहले लिगेंड का नोमेनक्लेचर और लिगेंड का अल्फा बाय बी नोमेनक्लेचर,
ब्रिजिंग और नॉन ब्रिजिंग नेचर ऑफ द लिगेंड। ठीक है, लिगेंड बने ब्रिजिंग टाइप का हो, सेतु बंध युक्त प्रकार का हो, या फिर सेतु बंध युक्त प्रकार का हो, हम लिगेंड का नॉमेनक्लेचर अल्फाबेटिकली ही करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, टेट्रा एंडिंग। अब देखिए इसमें दो धातु परमाणु हैं, अब इसमें वन टू करना पड़ेगा, तो इसको वन कहेंगे, ये वन धातु परमाणु है, यानी प्रेफरेंस में फर्स्ट नंबर पे है, और ये टू। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब किसी धातु परमाणु का हमें प्राप्त प्रायोरिटी निर्धारित करनी होती है तो ये देखना होता है कि उस धातु के साथ में अगर लिगेंड्स की संख्या ज्यादा जुड़ी हुई है तो उसको वन प्रायोरिटी देंगे, कम जुड़ी हुई है तो टू प्रायोरिटी देंगे। अगर लिगेंड्स की संख्या समान है तो हमें ये देखना होगा कि इस धातु परमाणु के साथ में जो पहले प्राथमिकता ऑर्डर वाले लिगेंड्स कितनी संख्या में जुड़े हुए हैं, उस बात को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टेट्रा एमीन, उसके बाद में देखिए वन कप्पा और कितने हैं चार, और किस कौन से एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ में जुड़ा हुआ है। फिर आगे चलते हैं, उसके बाद में क्या आएगा, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोराइडो, फिर उसके बाद में टेट्रा क्लोराइडो कौन से एटम के साथ में जुड़ा हुआ है, टू के साथ में। फिर कप्पा कितने हैं चार, क्या जुड़ा हुआ है सी, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद में डाई म्यू, फिर इसका लिखेंगे डाई म्यू हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, और उसके बाद में डाई कोबाल्ट थर्ड, देखिए हमने क्या किया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट नॉमेनक्लेचर है। अगर अनसिमेट्रिकल पॉलीन्यूक्लियर ऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं तो उसमें हमें एक विशेष बात का ध्यान रखना है, लिगेंड्स का नॉमेनक्लेचर हम अल्फाबेटिकली करेंगे, भले वो सेतु बंध युक्त हो या असेतु बंध युक्त हो। सेतु बंध युक्त अगर लिगेंड है तो उसके साथ में हम क्या लगा देंगे, म्यू लग देंगे, अन्यथा हम उसको इसी प्रकार से इसका सिंपल नाम लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में हम मेटल का नोमेनक्लेचर करेंगे। मेटल का नोमेनक्लेचर हमें ध्यान रखना है, उसको प्रायोरिटी ऑर्डर वन देना है जिसके साथ में अधिक संख्या में लिगेंड जुड़ेगी। सपोज करिए अगर दोनों मेटल के साथ में लिगेंडों की संख्या समान है तो ऐसी स्थिति में हम उस मेटल को प्राथमिकता वन पे रखेंगे जिसमें सबसे अधिक प्रायोरिटी वाले लिगेंड जुड़े हैं। जैसा कि इसमें देखिए अमीन की प्रायोरिटी क्लोराइड के प्रायोरिटी के बजाय पहले है, यानी इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी बाद में है, राइट। अमीन को जो मेटल है इसके साथ में अमीन जुड़ा हुआ उसको बंद दे दे और इसके बाद में इसको छू दे, राइट। तो ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आया, तो ये नोमेनक्लेचर हम आज यहीं पे कंप्लीट होता है इसका। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी उपसंयोजक यौगिक का सूत्र दिया हुआ है या फॉर्मूला दिया हुआ है, उस फॉर्मूले के इस्तेमाल करते हुए अगर उसका नाम दिया हुआ है तो उस नाम का इस्तेमाल करते हुए हम उसका फॉर्मूला किस प्रकार से ड्रा करें, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट। आज इतना ही, थैंक यू ऑल।